चुरान नौजवान सभा के संयोजक अधिवक्ता हेमराज ने बताया कि पिछले लगभग 4 सालों से चुरान के नकरोड में एक उप तहसील खोलने की मांग उठाई जा रही है, जो कि जनता के लिए फायदे की बात है। चुरान के 25 पटवार वृत्तों में से नकरोड से सटे 12 पटवार वृत्तों, जिसमें कोहाल, डुगली, कलहेल, जसोरगढ़, चांजू, चरड़ा, टिकरीगढ़, लिसुई, थली, जुंगरा, कलोक, पंजई को मिलाकर यहाँ पर उप तहसील खोलने का प्रस्ताव प्रशासन की फाइलों में पड़ा हुआ है। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र तेलका में 5 पटवार वृत्तों पर उप तहसील गठन किया जा चुका है। हमारे क्षेत्र में उप तहसील खोलने की मांग को अनदेखा किया जा रहा है। ACS द्वारा वांछित रिपोर्ट को अभी तक नहीं भेजा गया है। उप तहसील के नाम पर केवल राजनीति हो रही है। अगर अगले 10 दिनों में इस कार्य में कोई प्रगति नहीं हो पाती है तो जनता को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा और आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज हम चुरा नौजवान सभा की तरफ से तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा। हालांकि SDO महोदय जो है मौजूद नहीं थी, उनकी गैर मौजूदगी में जो है हमने तहसीलदार साहब को ये ज्ञापन सौंपा है कि हमारी जो मुख्य मांग थी कि वर्ष 2019 के अंदर ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा चुरा के जो पटवार सर्कल है 25, उन पटवार सर्कलों में जो है 12 पटवार सर्कल को अलग करके नकरोड स्थित जगह में जो है उप तहसील बनाने का एक प्रपोजल तैयार किया गया था। इसमें हमारी भी मांग जो है काफ़ी लंबे समय से थी DYFI की, कि तहसील जो है नकरोड के अंदर उप तहसील खोली जाए, क्योंकि चुरा का इंटीरियर एरिया है और दूर दराज के लोगों को जो है काफ़ी मशक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। चांजू के देहरा से लेकर आपका कोहाल तक के लोगों को जो है यहाँ पर भद्राडू में आना पड़ता है छोटे से छोटे काम के लिए। इसलिए नौजवान सभा की जो है काफ़ी लंबे समय से जो है ये मांग थी, और इस मांग को जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो है 2019 के अंदर फाइल बनाकर जो है इसके लिए रिव्यू के लिए भेजा था, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक जो है इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से ये प्रशासन से मांग की है कि इसके ऊपर जो है जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर लोगों को जो है मुश्किलों का सामना ना करना पड़े।